जी अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी मम्मी के कहने पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे किसी ने कहा कि मतलब मेरी छोटी मामी ने कहा कि कोई अरेबिक डिश भी शेयर करो, तो कोई बहुत बड़ी शेफ़ तो नहीं हूँ मैं, लेकिन चलें करती हूँ आज मैं। अच्छा जी, इसको हनी कॉम या बी हाइव ब्रेड भी कह सकते हैं, और अरेबिक में इसको हिलियात अलनहल कहते हैं। अच्छा जी, बेसिकली ये डिज़र्ट है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि बहुत मीठा हमारे घर खाया नहीं जाता। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स ये हैं। सबसे पहले ये ड्राई यीस्ट है, शुगर है, बटर है, ठीक है, एग है एक, और योगर्ट है 2 टेबल स्पून, और नमक लिया हसबे जायका, हसबे जायका नहीं मतलब थोड़ा सा। तो ये मैदा है, जिसे ऑल पर्पज़ फ्लोर भी कहते हैं। तो हम अच्छा, मैदा गूंदने के लिए मैंने गर्म पानी और दूध ले लिया। तो ये सारा सामान है। जो हमारा मक्खन बटर है उसको हम लोग मेल्ट कर लेंगे, बहुत अजाब करने की ज़रूरत नहीं है, बस माइक्रोवेव में रखो और कर लो, 30 सेकेंड्स के लिए काफ़ी होगा। तो ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया ना ये। आप लोग सोचेंगे मैंने ग्लव्स क्यों पहने हैं, बस मुझे थोड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं ग्लव्स पहन के, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहन लिए। शेफ तो नहीं है लेकिन बन तो सकते हैं ना, वॉइस ओवर करना बहुत ही अजीब काम है। ये क्रीम चीज़ है, इसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगी इसका क्या काम है। और ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में आती है, तो ये भी हमारी यूज़ होगी। अच्छा जी, ये एक मैंने साफ़ सुथरा सा बोल लिया, इसमें मैंने नमक डाल दिया, शुगर डाल दी जो कि मैंने 4 टेबल स्पून ली थी, ठीक है, यीस्ट हमने डाल दी इसमें, ड्राई यीस्ट, मैंने अंडा भी डाल दिया, दिख रहा है लेकिन फिर भी चले बता देती हूँ मैं। ये मैंने इसमें मक्खन भी डाल दिया जो मैंने मेल्ट किया था, ठीक है। योगर्ट हमने जो लिया था वो भी डाल दिया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला, आप वैसे मतलब एकदम से वो इससे हो नहीं रहा था तो मैंने चम्मच से डाल दिया, तो डालना वैसे सारा ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया था, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। हैंड ब्लेंडर लिया और उससे मैं ब्लेंड करने जा रही हूँ, तो आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। वैसे थोड़ी चीज़ें ना, तो ये ब्लेंडर थोड़ा बड़ा है तो उसके हिसाब से ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, देखिए ना काफ़ी थोड़ी चीज़ें तो ये ऊपर ऊपर ही है बस, तो उसकी वजह से ये फैलता है इससे ना, लेकिन चलें करते हैं ना। तो मैंने इस वजह से थोड़ा गहरा बाउल लिया ताकि जो छींटे वगैरह गिरे तो उसी के ऊपर गिरे ना। तो ये देखिए हमारा अच्छे से ये मिक्स हो गया, ठीक है। तो आप साइड से इसके साफ़ कर लें, हालांकि आगे मज़ीद डालनी है चीज़ें, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन होती है ये करके। तो मैंने इसको साफ़ कर दिया, ब्लेंड हो चुका था अच्छे से ये। तो अभी मैं मैदा डालूंगी, लेकिन मैदा आपने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना, ठीक है। मेरा एक हाथ बिजी है बहुत ज़्यादा, मैं वीडियो बना रही थी एक हाथ से, तो आप सोच सकते हो कि एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम दोबारा से इसको मैदे को ब्लेंड करेंगे, मैदे को भी उसी उन सारी चीज़ों में ब्लेंड कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता से हमने ये करना, एकदम से डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियो स्किप की, इतना मुश्किल हो गया कि मैंने थोड़ा सा ऊपर करके हवा में चला दिया गलती से, और वो सारी छींटे मेरे मुंह के ऊपर, मेरी शर्ट के ऊपर, दीवारों के ऊपर, ये इस तरह से हो गया। ये जो मैंने अभी थोड़ा सा डाला था उसके बाद ये ऐसा हो गया। अभी हम दूध इसमें डाल लेंगे, मैं दूध इसमें जो है ना वो सारा जो मैंने गर्म करके रखा होता नीम गर्म वो मैंने डाल दिया इसमें। अब मैदा, बाकी मैदा जो है वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें ये एक आटा जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में आने चाहिए। तो अभी तो लिक्विड सा था, तो हमने इसको आटा बनाना है, तो हम मैदा उतना डालेंगे जितने में ये आटा बन जाए, ठीक है। तो ये मुझे ब्लेंडर छोड़ के अभी मैदान में उतरना पड़ा है अपने हाथों के साथ, तो वो ग्लव्स के साथ बहुत मैसी हो गया था, तो मुझे हाथों के साथ आटे के साथ गुत्थम गुत्था होना पड़ा। तो ये हमने एक रफली आटा गूंद लिया, ठीक है, हमने रफ अभी रफ रखा है इसको, हमने अच्छे से नीट नहीं करना, और हमने इस पर शीट चढ़ा के रख लिया। ये मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको मैंने खाना देना था, तो मैंने बिरयानी भी मैंने वीडियो में डाल दी। अच्छा जी, ये देख लें आटा हमारा थोड़ी देर बाद फूल गया, आधा घंटा रखा होगा मैंने, तो आप देख सकते हो मैंने कितना रखा, वीडियो पीछे करके आप लोग देख सकते हो कि आटा मैंने कैसा रखा था और ये फूल गए, आधा घंटा मैंने रखा और ये फूल गया। अब अच्छे से हम लोग इसे नीट कर लेंगे, ठीक है, और इसमें ऑयल लगा के
ऑयल मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अभी, और वो एक साइड पे गिर गया, कोई नहीं। खैर तो हमने लगा देना ऑयल, और इसको दोबारा से हमने इस पे इसको कवर करके रख देना है। ये मैंने कवर कर दिया और रख दिया इसको। अच्छा जी, ये ऊपर आप लोग कह रहे हो कि मैं वीडियो बना रहा, तो मेरे पास ये एक लैम्प पड़ा हुआ है घर में, तो मैंने वीडियो इसी लैम्प की रोशनी में बनाई। मैंने अपनी किचन की जो लाइट थी वो मैंने बंद कर दी, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तो इस लैम्प से क्या है कि हीट भी जा रही है वैसे तो बहुत, गर के हमारा जो मैदा है, जो हमारा डो था, वो फूल के ना बैलून बन गया, तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, तो कहीं से गहरा है, तो ये है ना, ये अच्छा डो बनने की निशानी है। ठीक है, तो हम लोग इसको हटा लेते हैं और देखते हैं। इसको दोबारा से एक दफ़ा हमें करना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा। कि मैं इसको, इसकी हवा निकाल के मैंने इसको गूंद लिया दोबारा से, तो ये इतना हो गया, सही हो गया। अच्छे से आप ये कर लेना है। अब हमने इसको थोड़ी लंबी सी शेप दे कर रखा, और इसको हमने इक्वल दो पोर्शंस में काट लिया, और फिर दो को हमने चार में कर लिया। ठीक है, चार में हो गए, और चार से हमने फिर मज़ीद छोटे छोटे करके रख लिए। तो ये मैंने जो चीज़ थी उसको भी मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने छोटी छोटी करके डालनी है ना, तो मैं उस एक जो है ना ट्रायंगुलर शेप में जो एक है उसको मैं दो पीस करके रख लूँगी। ठीक है, और मैंने ये इनमें फिल करके देखे, सब में फिल करके मैंने रख लिया, फिल करके मैंने रखा। और उसके बाद देखे मैंने इनको दोबारा से कवर करके रख दिया, और अभी हम इसको अगेन फूलने देंगे। और ये फूलने के बाद दोबारा ऐसे हो गए हैं, और इस पर मैंने अंडा अच्छे से फेंट के इनके ऊपर कर लिया हमने ब्रश के साथ, तो इससे अच्छे अच्छा कलर आएगा ऊपर से। ठीक है, ये फूलने के बाद है, मैंने 10-15 मिनट फिर इनको रख दिया था। तो हमने इसके ऊपर ये देख, तो मैं इन पे कलौंजी और जो है तिल, वो मैंने इन पे अच्छे से स्प्रेड कर दिए। 1 घंटे में मैंने बेकिंग ओवन में 180 टेम्परेचर पे रख के बना लिए। ओवन जो है ना वो मैंने प्री हीट किया था, फिर उसके बाद मैंने ये रखा था, तो मैंने 180 पे इनको आधे घंटे के लिए बनाया था, तो वो वीडियो थोड़ी स्किप हो गई, तो इस वजह से। तो चलें, ये आगे जो मैं कर रही हूँ, ये मैंने दूध थोड़ा सा गर्म किया है, और मेरे पास कोको पाउडर है, तो मैंने छोटे पैन में दूध को रखा जो गर्म किया हुआ था, और उसमें मैंने कोको पाउडर मिक्स कर लिया, और ये मैंने एक, अच्छा वो लोग जो है ना वो लोग शीरा यूज़ करते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसमें चॉकलेट सॉस बना के लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब देखें इतना अच्छा कलर आया है इसका, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया क्योंकि मुझे किसी को देना भी था। तो ये देखिए, मैंने इस पर चॉकलेट सॉस जो बनाया था वो मैंने इस पर रख दिया, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी रख सकते हो। और ये मैंने कवर कर दिया इसको थोड़ी देर के लिए, इसको 10-15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, तो फिर आप इसको चेक करेंगे कि ये कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट और मज़े का बन जाएगा। तो ये लाजमी, ये वाला स्टेप लाजमी करना है आपने, आप किसी भी कपड़े से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें। ठीक है, और फिर आप लोग खा के देखें, और आगे मैं चल के आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट था ये। अच्छा, मैंने इस पोर्शन को थोड़ा लंबा कर दिया क्योंकि मैं बाकी बातें भी कर सकूं। तो वो आपने देखा जब मैंने बॉल्स बना के रखी थी, तो वो फूल के आपस में चिपक गई थी सारी, तो आपस में वो जुड़ जाती हैं। तो जी, कपड़ा हटाने के बाद कुछ ऐसा है ये सॉफ्ट सा मज़े का। ठीक है, तो एंजॉय करें, लाफेज। अच्छा, कपड़ा हटाने के बाद ये ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा, जो कमी थी ओवन से निकालते हुए थोड़ा हार्ड फील हो रहा था, तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगा।